हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह, आप देख रहे हैं माय मैकेनिकल सपोर्ट। गाइज, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन चलिए मैं आज आपको वर्कशॉप में लाया हूं और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग एक्चुअली में होता क्या है और इसे कैसे जो है वो किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, आपको मैं वीडियो स्लो कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख पाए। ये इतनी धीरे मशीन नहीं चलती है, इसको 3 गुना जो है वो मैंने स्लो किया है, तब आपको इतनी फास्ट जो है वो ये दिख रही है। स्लो करने का एक ही मोटो था कि आपको ये सारी बातें जो है वो अच्छे तरीके से दिख पाए। इसमें अलग अलग साइज के जो है वो टूल हम लोग लगा सकते हैं, जितने डाया के हम लोग को टूल की जरूरत रहती है हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। इसी वीडियो में आपको टूल भी दिखाने वाला हूँ अलग अलग। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी हमारे बोरिंग मशीन होते हैं, तो सबसे पहले आपको बोरिंग और ड्रिलिंग में अंतर जान लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में आपको जो है वो लगभग लगभग एक ही जैसे काम करने पड़ते हैं, लेकिन बोरिंग और ड्रिलिंग एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट रहती है। और इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको फंसाने के लिए सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोरिंग एंड ड्रिलिंग। आप एक मैकेनिकल से हो या फिर टेक्निकल क्षेत्र से हो तो आपको ये जानकारी जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ड्रिलिंग जब एक हम लोगों को होल किसी वर्कपीस में अगर होल बनाना है तो हम लोग ड्रिलिंग के जरिए जो है वो बना सकते हैं। लेकिन वही कोई बोल देगा कि उस होल को बड़ा करना है तो हम लोगों को वहां पे जो है वो बोरिंग करना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जहां पे होल बनाना है तो डायरेक्ट हम लोग जो है वो ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन पहले से होल बनाया हुआ है और उसको और बढ़ाना है तो हम लोग जो है वो बोरिंग का सहारा लेते हैं। तो अब आप ये भी बोल सकते हो कि मान लीजिए कि हम लोग को पता है कि एक होल बनाना है तो डायरेक्ट हम लोग जो है वो ड्रिलिंग करके ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जो मशीन रहती है उसकी भी एक कैपेसिटी रहती है, जो जिस वर्कशॉप पीस पे हम लोग काम करते हैं उसका भी कुछ स्ट्रेंथ रहता है, कुछ डेंसिटी रहता है। तो हम लोग पास एक लिमिट है कि उससे ज्यादा डाया का जो है वो हम लोग टूल यूज नहीं कर सकते हैं, वरना मशीन काम नहीं करेगी। या फिर होता है ऐसा कि हमारे जो मटेरियल है उसका डेंसिटी काफी ज्यादा है, काफी टफ है मटेरियल, हमारा बोरिंग अगर नहीं करते हैं, ड्रिलिंग डायरेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि टूल हमारा टूट जाए या फिर मशीन जो है वो उतना लोड ना ले पाए। इसलिए हम लोग जो है वो पहले छोटे डाया के बीट से जो है वो हम लोग पहले ड्रिलिंग कर लेते हैं और उसके बाद बोरिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो बोरिंग होता है वो भी स्मूथ होता है, हमारे मशीन पे भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और जो हमारा वर्कपीस रहता है वो भी खराब नहीं होता है, और सब चीज हम लोग को आसानी से जो है वो हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है वो आसान भाषा में आपको ड्रिलिंग और बोरिंग का अंतर मैंने समझा दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कोई भी इंटरव्यू में आप जो है वो इस सवाल से घबराने वाले हों। तो फिर मिलते हैं, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद। कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय मैकेनिकल। नमस्कार दोस्तों।